विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस की बात करेंगे। मेजर विषय, माइनर विषय, वैकल्पिक विषय, व्यावसायिक विषय, आधार पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप आदि के सिलेबस के संबंध में क्या व्यवस्था हुई है, यह जानकारी देना हम प्रारंभ करें। इसके पहले आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अपने समय में एमकॉम करते हुए टॉपर रहे डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को बीकॉम प्रथम वर्ष के सिलेबस, मूल्यांकन पद्धति आदि के बारे में बताइए। प्रिय विद्यार्थी साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वाणिज्य संकाय में बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए क्या नई व्यवस्था की गई है, आज हम इसके प्रत्येक आयाम पर बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे मूलतः कॉमर्स यानी वाणिज्य का विद्यार्थी रहा और मुझे 8 वर्ष बहुत ही महानतम गुरुजनों जैसे सैयद विलायत अली सर, डॉक्टर एनजी गुप्ता सर, डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी सर जैसे मूर्धन्य वाणिज्य के विद्वानों से पढ़ने का शुभ अवसर मिला और मैं अपने समय में जीएसीसी यानी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का एमकॉम का टॉपर रहा हूं। इस समय बड़वानी मध्य प्रदेश में महाविद्यालय में अध्यापन करता हूं। आइए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं को कवर करने जा रहे हैं। कोर कोर्स या मेजर सब्जेक्ट, माइनर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स में वाणिज्य संकाय में 2 व्यवस्था हैं, वाणिज्य संकाय के वैकल्पिक विषय और वाणिज्य संकाय के अन्य वैकल्पिक विषय। इन दोनों में क्या अंतर है हम आगे देखेंगे। कला संकाय के वैकल्पिक विषय, विज्ञान संकाय के वैकल्पिक विषय, अन्य वैकल्पिक विषय, इन तीनों संकायों यानी वाणिज्य संकाय, कला संकाय, विज्ञान संकाय और इनके अलावा अन्य वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय के चयन की सुविधा इस बार विद्यार्थियों को प्राप्त है। किस संकाय में कौन से वैकल्पिक विषय हैं और कौन से विषय का चयन करना उज्जवल भविष्य के लिए उचित होगा हम बात करेंगे। आधार पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, क्रेडिट सिस्टम, मूल्यांकन की पद्धति, इन सब पर हम आज बात शुरू कर रहे हैं। यदि आप उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर जाएंगे और जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2021-22 से स्नातक प्रथम वर्ष के लिए जारी पाठ्यक्रम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको सभी संकायों के पाठ्यक्रम का उल्लेख यहां पर मिलेगा। क्योंकि आज हमारी विषय वस्तु वाणिज्य संकाय है तो हम वाणिज्य संकाय की बात करेंगे। हम जब वाणिज्य संकाय को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का पेज प्रदर्शित होगा। आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा है क्रमांक, वाणिज्य संकाय, मुख्य विषय, गौण विषय और वैकल्पिक विषय। संकाय में वाणिज्य लिखा है, मुख्य विषय में आपको एक पीडीएफ दिखाई दे रही है, इसी तरह से गौण विषय और वैकल्पिक विषय में भी एक पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है। और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या आता है। वाणिज्य संकाय का जो मुख्य विषय है, मेजर सब्जेक्ट, एक बार मैं पुनः दोहरा दूं कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए आदि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुल मिलाकर 6 विषय पढ़ने हैं, जिनको हम अगर शीर्षक दें तो हम कह सकेंगे मुख्य विषय या मेजर सब्जेक्ट, गौण विषय या माइनर सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय या इलेक्टिव कोर्स, व्यावसायिक विषय या वोकेशनल कोर्स, फाउंडेशन कोर्स या आधार पाठ्यक्रम और साथ में इंटर्नशिप आदि। तो इसमें हम वाणिज्य संकाय के मुख्य विषय को अगर हम देखते हैं
तो हम यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं प्रश्न पत्र एक, वस्तुतः मेजर सब्जेक्ट में दो कोर्सेस हैं। यूजीसी का कहना है कि इन्हें प्रश्न पत्र के स्थान पर हमें कोर्स कहना चाहिए, तो कोर्स वन। लेकिन जब आप वेबसाइट पर जाएंगे उच्च शिक्षा विभाग की, तो कॉमर्स के परिप्रेक्ष्य में यहां पर प्रश्न पत्र एक लिखा हुआ रहेगा। तो मुख्य विषय मेजर सब्जेक्ट प्रश्न पत्र एक है वित्तीय लेखांकन, पाठ्यक्रम का प्रकार कोर। मेजर सब्जेक्ट को ही हम कोर सब्जेक्ट भी कहते हैं, अतः भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और वित्तीय लेखांकन को कोर सब्जेक्ट बनाना अनिवार्य भी है, क्योंकि हमारी जो कॉमर्स है वो लेखांकन पर ही मूलतः आधारित है। तो बहुत स्वाभाविक है कि यह आप सभी को जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आए हैं उन्हें इस विषय का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। यदि आप पाठ्यक्रम की बात करें तो आपको पाठ्यक्रम इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है, और साथ ही साथ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्राप्त कर सकेंगे, जिसके माध्यम से आप सीधे ही पाठ्यक्रम पर पहुंच सकेंगे। अभी देखिए, ये जो हमारा पाठ्यक्रम है इसको कुछ भागों में बांटा गया है। उसमें भाग अ परिचय है, और उसमें बताया गया है कि पाठ्यक्रम का कोड क्या है, पाठ्यक्रम का शीर्षक, जैसा मैंने अभी कहा था ना कोर्स, पाठ्यक्रम का शीर्षक वित्तीय लेखांकन, और उसके ब्रैकेट में प्रश्न पत्र लिख दिया गया है। पाठ्यक्रम का प्रकार है कोर, और इसमें लिखा है कि इस विषय को कौन पढ़ सकता है, उसकी क्या पूर्वापेक्षा है, यानी 12वीं में उसने क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो बहुत खुशी की बात है कि यह विषय ऐसी कोई पूर्वापेक्षा नहीं करता है, और यह ओपन फॉर ऑल है, यानी सभी के लिए उपलब्ध है। जब आप इस विषय को पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें सीखेंगे, ये कुछ बिंदुओं के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न पत्र के, प्रत्येक विषय के, प्रत्येक कोर्स के पाठ्यक्रम के साथ ये लिखा हुआ है, आप यहां पर पढ़ पा रहे हैं। फिर नीचे अगर हम चलेंगे तो लिखा है क्रेडिट मान, वित्तीय लेखांकन का प्रश्न पत्र है, यह 6 क्रेडिट के लिए है। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है इसको हम एक अलग वीडियो में भी आपको बताएंगे। सामान्यतः ऐसा समझ लीजिए कि जिसकी जितनी क्रेडिट होती है सप्ताह में उसको उतने घंटे अध्यापन करवाने का प्रबंध होता है। क्योंकि इसकी 6 क्रेडिट है तो सप्ताह में 6 घंटे पढ़ाने की व्यवस्था होगी। पूर्णांक कितना है इसका, यानी कुल अंक कितने हैं, तो अधिकतम अंक इसके 100 है, जिसको 2 भागों में जोड़कर आपके सामने रखा गया है, 25 धन 75, कुल मिलाकर 100। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम अंक कितने चाहिए, तो वो हमें चाहिएंगे 33, यानी 33। इस प्रारंभिक परिचय के पश्चात हम पाठ्यक्रम के भाग ब पर पहुंचते हैं, तो वहां पर विषय वस्तु हमें दिखाई देती है। ये जो विषय वस्तु हमें यहां पर दिखाई दे रही है, मजे की बात है कि सामान्यतः विषय वस्तु 5 इकाइयों में होती है, लेकिन वित्तीय लेखांकन में आप देख पा रहे हैं कि यह पाठ्यक्रम 6 इकाइयों में विभक्त किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक इकाई का कोर्स स्पष्टतः लिखा गया है। वित्तीय लेखांकन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अध्याय इसमें शामिल किए हैं, और यह भी बताया गया है कि प्रत्येक इकाई के लिए हमें 15 व्याख्यान, यानी लगभग 15 घंटे प्रत्येक इकाई के लिए पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 90 घंटे, 15 × 6, आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और कैलकुलेशन करने में तो बहुत तेज हैं, तो आपने जोड़ लिया होगा गुणा करके कि 15 × 6 = 90। तो कुल मिलाकर 90 व्याख्यान आपको वित्तीय लेखांकन में सुनने पढ़ने को मिलेंगे, जिससे आप बहुत सारी बातें समझ सकेंगे। याद रखिए विद्यार्थी साथियों, आपके कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वहां का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है वह बहुत अनुभवी और बहुत विद्वान गुरुजन होते हैं। उनसे अगर आप निरंतर संपर्क में रहकर प्रत्येक चैप्टर का बहुत विस्तार से और अच्छे से अध्ययन करेंगे, तो कॉमर्स के क्षेत्र में आपकी बहुत बढ़िया पकड़ बनेगी, और आप लेक्चरर, प्रोफेसर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या और भी बढ़िया करियर बना सकेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप नियमित रूप से कक्षाएं अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा सीखें। भाग स में अगर हम पहुंचते हैं तो हमें यहां पर दिखाई देता है अनुशंसित अध्ययन संसाधन। अनुशंसित अध्ययन संसाधन का मतलब होता है कि वित्तीय लेखांकन का यह विषय तैयार करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए।
इसमें पाठ्य पुस्तकें हैं, संदर्भ पुस्तकें हैं और अन्य संसाधन भी हैं, और बहुत ही व्यवस्थित तालिका के माध्यम से आपको बताया गया है लेखक का नाम, पुस्तक का नाम और प्रकाशक भी। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि शारदा गंगवार और मिश्रा जी की किताब है, और ये डॉक्टर एस एम शुक्ल, इनका तो कहना ही क्या है, मैं भी जब पढ़ता था तो इन्हीं की किताबों का खास सहारा था, बहुत अच्छे से लिखी गई किताबें हैं, आप यह पढ़ेंगे। इसी तरह से डॉक्टर महेश अग्रवाल सर की किताब है वित्तीय लेखांकन, जो भोपाल से प्रकाशित हुई है, बहुत ही अच्छी किताब है, इसकी बड़ी ख्याति है। और अगर आप बढ़ेंगे तो मेहता डॉक्टर संजय और ब्रह्म भट्ट की साझा किताब वित्तीय लेखांकन के नाम से है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम की भी आपको गुप्ता साहब की किताब आपको दिखाई दे रही है, राधा स्वामी उनके सहलेखक हैं, एडवांस अकाउंटेंसी किताब का नाम है। शुक्ला एंड ग्रेवाल साहब की किताब है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग है। माहेश्वरी एस एन सर की किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, इस तरह से ये किताबों का यहाँ उल्लेख है, तो आप इसमें से कुछ किताबें ला सकते हैं और पढ़ सकते हैं। भाग स के बाद अगर हम और इसमें देखें, भाग स का एक हिस्सा और है कि इन किताबों के अलावा आपको कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेबसाइट की लिंक भी यहां पर दी जा रही है, जिनके माध्यम से भी आप इसके कई चैप्टर्स पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। भाग द अनुशंसित मूल्यांकन विधियां, यानी आपका मूल्यांकन कैसे होगा, तो मूल्यांकन की व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक मूल्यांकन जिसको सतत व्यापक मूल्यांकन या सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन का है, और दूसरा है आकलन विश्वविद्यालयीन परीक्षा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अब देखिए आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुल 25 अंक है, जिसमें से 15 अंक क्लास टेस्ट के लिए है, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, और 10 अंक आपके लिए तय किए गए हैं असाइनमेंट प्रस्तुतिकरण आदि के लिए। ये 25 अंक आपके महाविद्यालय के जो आपके आदरणीय गुरुजी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उनके पास ये रहेंगे और वो आपकी परीक्षा लेंगे। इसमें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिए ताकि आप अधिकतम अंक अर्जित कर सके। इसके पश्चात सत्र के अंत में टाइम टेबल के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा होगी, जिसमें जो पेपर आएगा ध्यान दे लीजिए बहुत अच्छे से कि पहले विश्वविद्यालय की परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 घंटे का होता था, लेकिन अब केवल 2 घंटे ही आपको डीएवीवी की परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए मिलेंगे। ये जो प्रश्न पत्र आएगा यह 3 भागों में बटा हुआ रहेगा। इसका जो अनुभाग अ है उसमें 3 अति लघु प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्द में देना होगा। अनुभाग ब में 4 लघु प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप अधिकतम 200 शब्दों में दीजिए, और 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे अनुभाग स में, वहां पर आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में दे सकेंगे। अंकों की अगर अपन बात करें तो अति लघु प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं, लघु प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 9 अंक है, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक है। इस तरह से अति लघु प्रश्न के लिए आप 9 अंक, लघु प्रश्न के लिए 36 अंक और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए 30 अंक, इस तरह से कुल 75 अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। तो इस परीक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से ही आप पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ते समय सोचिए कि किस बिंदु पर अति लघु प्रश्न बन सकता है या लघु या दीर्घ उत्तरी प्रश्न बन सकता है, और उन्हें नोट भी कीजिए। प्रायः यह देखा गया है, मैं भी बहुत समय तक ऐसा करता रहा अपने अध्ययन काल में, कि कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल या सवाल वाले विषयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और थ्योरी या सैद्धांतिक भाग पर वो कम ध्यान देते हैं, लेकिन फिर परीक्षा में दिक्कतें आती हैं। तो आप थ्योरी को भी बहुत अच्छे से पढ़िए और न्यूमेरिकल तो आप अच्छे से पढ़ेंगे ही। तो ये हमने आपके सामने एक प्रश्न पत्र रखा जो मेजर सब्जेक्ट का पहला कोर्स था, इसी का यह इंग्लिश मीडियम में भी सिलेबस आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं वो यथावत इंग्लिश में सिलेबस प्राप्त कर सकें। जैसा मैंने बताया था कि मेजर सब्जेक्ट में
दो प्रश्न पत्र या दो कोर्स होंगे। तो मेजर सब्जेक्ट का जो दूसरा कोर्स है उसका शीर्षक है व्यावसायिक नियमन रूपरेखा। प्रिय विद्यार्थी साथियों, मैं आपका ध्यान अभी से एक बात की तरफ दिला देना चाहता हूं, शायद मेरी यह बात आपको जिंदगी भर काम आएगी। आपने पढ़ा होगा व्यवसाय, और व्यवसाय से जब व्यावसायिक बनता है ना, तो फिर य में आ की मात्रा आ जाती है। हमने देखा है कि कई बार बहुत सारे लोग इसको गलत लिखते हैं और इसको व्यावसायिक लिख देते हैं, क्योंकि व्यवसाय से बना है, जबकि य में आ की मात्रा होगी। और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हिंदी व्याकरण का एक नियम है, और वह नियम है प्रत्यय से संबंधित। जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें पहले अक्षर में मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि यहां पहला अक्षर आधा हुआ है, इसलिए य में मात्रा बढ़ाई। जैसे अध्यात्म से आध्यात्मिक हो जाता है, व्यवहार से व्यावहारिक हो जाता है। जरा इसको अपने मन मस्तिष्क में नोट कर लीजिए और सदैव इसको व्यावसायिक नियमन रूपरेखा ही लिखिए। पाठ्यक्रम का प्रकार कोर है, ये यानी वही मेजर सब्जेक्ट है। इसका भी पाठ्यक्रम आपके सामने रखा हुआ है, इसकी भी सेम वैसी ही व्यवस्था है। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां इकाइयों की संख्या 5 कर दी गई है, और व्याख्यान की संख्या वाला हिस्सा यहां खाली दिखाई दे रहा है राज्य शासन की शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर। लेकिन चूंकि 90 व्याख्यान होते हैं एक प्रश्न पत्र के लिए, तो आप मान लीजिए कि 18 व्याख्यान आपको यहां पर सुनने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इसमें भी अध्ययन सामग्री और मूल्यांकन की व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही है, 25+75, वही अति लघु प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे। इसका भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में पाठ्यक्रम मिल जाएगा। ये हुए मेजर सब्जेक्ट, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के हर विद्यार्थी को पढ़ना ही है। गौण विषय की बात करें तो गौण विषय के तौर पर यहां पर एक ही विषय दिया है, तो सिलेक्शन की कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। और विषय का शीर्षक आप पुनः देख पा रहे हैं, व्यावसायिक संगठन एवं संचार। यहां भी व्यवसाय का व्यावसायिक हो गया है, और पाठ्यक्रम का प्रकार गौण या माइनर है। इसमें भी पाठ्यक्रम आपको दिया हुआ है, और पाठ्यक्रम की यहां पर भी 6 इकाइयां हैं। यानी कॉमर्स में हम देख पा रहे हैं कि कुछ 5 इकाइयों के पाठ्यक्रम हैं और कुछ 6 इकाइयों के पाठ्यक्रम हैं। उस लिहाज से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे। बाकी सारी व्यवस्थाएं समान है, मूल्यांकन की व्यवस्था भी समान है। इसका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पाठ्यक्रम दिया गया है। प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस YouTube चैनल की टीम के द्वारा बहुत मेहनत से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए गए हैं, और आपके सामने बहुत परिश्रम से ये चीजें रखी जा रही हैं। हालांकि ये बताने की बात नहीं है, पर बता देता हूं कि इस समय मैं डेंगू से प्रभावित हूं, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को उचित पाए तो अपने साथियों के साथ साझा भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। वाणिज्य के वैकल्पिक विषय, देखिए वैकल्पिक विषय के संबंध में आपको दो तरह की व्यवस्था दिखेगी। पहले भाग में जो वैकल्पिक विषय है वो है 3, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अधिकोषण एवं बीमा, व्यावसायिक गणित। अधिकोषण का मतलब होता है बैंकिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अधिकोषण एवं बीमा और व्यावसायिक गणित, इन तीनों में से किसी एक को आपको चुनना है। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई सिलेबस की लिंक के माध्यम से यहां पर पहुंचेंगे इनके सिलेबस तक, तो आपके सामने किस तरह की स्थितियां आएंगी। देखिए पहला जो विषय है वह है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इस व्यावसायिक अर्थशास्त्र का सिलेबस आपको मिलेगा, और व्यावसायिक अर्थशास्त्र का सिलेबस भी 6 इकाइयों में बटा हुआ है, 15-6-90 व्याख्यान आपको सुनने के लिए मिलेंगे। वैकल्पिक विषय के पूर्णांक भी 100 ही हैं, ग्रेड भी 6 है, और साथ ही साथ में परीक्षा पद्धति भी समान है। वैकल्पिक विषय में दूसरा जो इसमें रखा गया है वो है अधिकोषण एवं बीमा, यानी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसमें हम देखते हैं आगे, तो इसमें 5 इकाइयों में ही हमारा यह पाठ्यक्रम रखा गया है। तो 5 इकाइयों में से किसी भी इकाई में 18 व्याख्यान होंगे, और इस तरह से कुल 90 व्याख्यान होंगे। तो यह हो गए वैकल्पिक विषयों का। अब इसमें तीसरा विषय हो गया व्यावसायिक गणित। व्यावसायिक गणित भी वैकल्पिक विषय है।
हमारे समय में कॉमर्स का यह भी एक लोकप्रिय विषय होता था और साथ ही साथ इसको पढ़ने का लाभ होता था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे हमें बहुत फायदा मिलता है। कई परीक्षाओं में अंक गणित पर आधारित बहुत प्रश्न आते हैं और व्यावसायिक गणित का जो पाठ्यक्रम है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है और कई वैरायटी के सवाल इसमें हमें करने और सीखने को मिलते हैं। तो मुझसे अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि व्यावसायिक गणित अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन अगर आप व्यावसायिक गणित चुन लेते हैं तो आगे आपके सामने एक बहुत व्यापक संसार कला संकाय के विषय, विज्ञान संकाय के विषय और वाणिज्य संकाय के अन्य वैकल्पिक विषय और अन्य वैकल्पिक विषय वो आपका बंद हो जाता है और आप कॉमर्स तक ही सीमित हो जाते हैं। तो इसी तरह से इसका पाठ्यक्रम अगर हम देखें तो यह 6 इकाइयों में विभक्त है और 15-15 व्याख्यान के माध्यम से गणित को आप पढ़ पाएंगे, बाकी सब चीजें समान है। अब देखिए वाणिज्य संकाय के वैकल्पिक विषय का एक भाग हमने देखा, अब वाणिज्य संकाय के वैकल्पिक विषय का दूसरा भाग आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है और इसमें 5 विषय आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। चुनना एक ही है, या तो उधर 3 में से आप एक कोई चुन लीजिए या फिर इन 5 में से एक कोई चुन लीजिए या फिर आगे आर्ट्स के 25, साइंस के 20 और अन्य 3 विषयों में से कोई चुन लीजिए। अब यहां पर देखिए व्यवसाय अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत, लेखांकन के मूल सिद्धांत, भारत में बैंकिंग संस्थाएं, मुद्रा एवं बैंकिंग, और आप 5वें क्रम पर देख रहे हैं। कर दी ना गलती, व्यावसायिक लिख दिया, यहां व्यावसायिक होता है। तो याद रखिए कि बड़े बड़े स्तर पर भी इस तरह से मात्रात्मक गलतियां हो जाती है, भाषा को आप जितना संवार कर रखेंगे उतना ही अच्छा। यह है व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, इनके भी इसी तरह से सिलेबस दिए गए हैं और 5 इकाइयों में ये सिलेबस हैं, बाकी सब व्यवस्थाएं समान हैं। लेकिन क्रेडिट मान यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट मान आपको यहां पर 4 ही दिखाई देगा। आपने देखा कि मेजर सब्जेक्ट के दोनों कोर्सेज की 6-6 क्रेडिट थी, माइनर सब्जेक्ट की 6 क्रेडिट थी, 6 × 18, और अब वैकल्पिक विषय में 4 क्रेडिट आ रही है। क्रेडिट का बहुत फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा अलग से व्याख्या की आवश्यकता है, वेट कीजिए अगले वीडियो का। इस तरह से ये यहां पर जो 5 वैकल्पिक विषय है उनके भी पाठ्यक्रम यहां दिए हैं। अब आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं कला संकाय के वैकल्पिक विषय। आप कहेंगे कि भाई मैं तो कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, मुझे कला संकाय या आर्ट फैकल्टी से क्या लेना देना। ये बात पिछले वर्ष तक ठीक थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपसे यह अपेक्षा करती है कि आप अंतर विषयी अध्ययन करें, तो आपके सामने कला संकाय के भी वैकल्पिक विषय हैं। यानी आप मेजर और माइनर सब्जेक्ट कॉमर्स के चुनकर कला संकाय का कोई वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। इस सूची में कुल 25 विषय हैं, इनमें से किसी एक विषय का चयन किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को देखिए। मैं आपको 25 विषयों के नाम बता देता हूं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। जैसे मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय, धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय, संगठनात्मक व्यवहार, कम्युनिकेटिव अंग्रेजी काफी अच्छा है, इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है, भौतिक भूगोल, पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन, हिंदी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवस्था, विज्ञापन आपके कॉमर्स से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, भारत में विरासत प्रबंधन, भारत का संवैधानिक इतिहास। यदि आप पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप भारत में विरासत प्रबंधन, भारत का संवैधानिक इतिहास, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन जैसे विषय, और आगे एक और विषय आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसको चुन सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के बाद रंगाई और छपाई, बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण, भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, श्री रामचरित मानस का दार्शनिक चिंतन, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। साथियों अभी 2020 की यूपीएससी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया, आपने अखबारों में सोशल मीडिया पर देखा होगा जो सफल हुए उनका कितना ज्यादा उन्हें खुशियां मिल रही है और उनका कितना ज्यादा गुणगान किया जा रहा है। तो यूपीएससी अगर आप देते हैं तो वहां पर लोक प्रशासन विषय बहुत मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, समाजशास्त्र का परिचय, भारत का समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश में उर्दू गजल, उर्दू जबान और मुख्तलिक असनाफ,
प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ये 25 आपके सामने विषय हैं। इनके सामने लिंक दे रखी है सिलेबस की, क्लिक करके आप देख लीजिए। एक इसमें से हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने विषय आपके सामने रखा है रामचरितमानस का व्यावहारिक दर्शन। देखिए यहां पर भी इन्होंने व्यावहारिक दर्शन लिखा है। देखिए मैंने कहा ना कि अगर आप प्रारंभ से ध्यान नहीं देंगे तो त्रुटियां न जाने किस स्तर तक होती रहेगी। व्यावहारिक दर्शन यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको अगर आप देखते हैं तो यह 4 इकाइयों में ही बटा हुआ है और इसके लिए जो क्रेडिट व्यवस्था की गई है वो है 4 है, जैसे कि वैकल्पिक विषय में होती है, और 15:60 यहां पर व्याख्यान की व्यवस्था की गई है। पूर्णांक उतने ही हैं 100, उसमें 25 आंतरिक मूल्यांकन के लिए है, 75 DAVB की परीक्षा के लिए है। उसमें प्रश्न पत्र का स्वरूप समान है, यानी वही अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इस तरह से हमने आपके समक्ष एक कला संकाय के प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम रखा। आप सब पाठ्यक्रमों को देखकर अपनी रुचि के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे कला संकाय के पाठ्यक्रम थे वैसे ही विज्ञान संकाय के भी वैकल्पिक विषय है और इनकी संख्या है कुल 20। इनमें से किसी एक विषय का चयन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि कुछ विषयों के लिए 12वीं में विषय विशेष के अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है। तो जब आप किसी विषय का चयन करें विज्ञान संकाय से, आप आर्ट या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप चुन सकते हैं, लेकिन उसके सिलेबस को क्लिक करके देख लीजिए और पूर्वापेक्षा वाले भाग में आप देखेंगे, जैसे एक पेपर इसमें मिलेगा मानव रोग, तो उसमें लिखा गया है कि 12वीं में यह जरूरी है कि आपने बायोलॉजी पढ़ा, तो ये देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे ही रहे हैं। जो 20 प्रश्न पत्र या 20 कोर्सेस हैं वैकल्पिक विषय के अंतर्गत, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। हर्बल प्रसाधन सामग्री, नर्सरी प्रबंधन, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, औषधीय रसायन के मूल सिद्धांत, कंप्यूटर फंडामेंटल काफी अच्छा है, MS ऑफिस बहुत उपयोग में आता है, मल्टीमीडिया और एनिमेशन, स्प्रेडशीट के माध्यम से डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, भूविज्ञान के तत्व, खनिज और चट्टाने, रंगाई और छपाई, बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण, लॉजिक और सेट गणित से संबंधित है, मैट्रिक्स ज्यामिति और वेक्टर बीजगणित, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, मानव रोग, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया विषय है, आप देख लीजिए और जो आपको पसंद आए उसको चुन लीजिए। और यह भी पता कर लीजिए कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहां पर इन विषयों में से कौन से विषय पढ़ाए जाने की व्यवस्था उपलब्ध है। ये सारे विषय शायद ही किसी कॉलेज में उपलब्ध हो, इसमें से सिलेक्टेड विषय रहेंगे, ये पता कर लीजिए। आगे चलकर आपके लिए सेशंस आयोजित होंगे जिसमें बताया जाएगा, और अभी कुछ सेशंस चल भी रहे हैं उनमें आपको बता रहे हैं। एक वीडियो इस चैनल पर भी उपलब्ध होगा, खासकर बड़वानी के संदर्भ में, कि कौन कौन से कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के वैकल्पिक विषय पढ़ाए जाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसमें भी हम एक पाठ्यक्रम आपके सामने रख रहे हैं, मधुमक्खी पालन वाला। इसको किसी भी संकाय का छात्र चुन सकता है, यानी आप भी चुन सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के तौर पर। और मधुमक्खी आप जानते ही हैं कि आज की तारीख में व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसका जो पाठ्यक्रम है वह आपको दिखाई दे रहा है कि 4 इकाइयां हमें यहाँ दिखाई दे रही, आगे और देख लेते हैं। तो 4 इकाइयों में यह पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम में आपके लिए जो क्रेडिट मान है वो केवल 2 इसके अंदर क्रेडिट मान आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो व्याख्यान की संख्या होगी वो 7, 10, 17, 4, 21 और 9, 30 30 व्याख्यानों के माध्यम से इसको पढ़ाया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 क्रेडिट यानी 1 घंटे का व्याख्यान प्रति सप्ताह सामान्यतः, इसमें लिखा भी है 2 घंटे प्रति सप्ताह व्याख्यान की व्यवस्था की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं तो अन्य वैकल्पिक विषय, यानी आपके कॉमर्स के पहले क्रम के वैकल्पिक विषय, दूसरे क्रम के वैकल्पिक विषय, कला संकाय के 25 वैकल्पिक विषय, विज्ञान संकाय के 20 वैकल्पिक विषय और फिर अन्य वैकल्पिक विषय, जिनकी संख्या है 3, NCC, NSS, शारीरिक शिक्षा, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, अभी इसका पाठ्यक्रम अपलोड नहीं हुआ है, तो हम प्रतीक्षा करेंगे। NCC, NSS, शारीरिक शिक्षा यानी स्पोर्ट्स में यदि आपकी रुचि है तो आप शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन को आप चुन सकते हैं।
एनसीसी में आप कुछ करना चाहते हैं तो एनसीसी पढ़ सकते हैं, और एनएसएस के माध्यम से आप समाज की सेवा करने को इच्छुक हैं तो आपके लिए यह विषय भी काफी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी बताया कि इन विषयों के पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अभी उपलब्ध नहीं है। जब उपलब्ध होंगे तो आप तक सूचना हम अवश्य ही पहुंचा देंगे। तो हमने देखा कि अभी तक हम कोर कोर्स की बात कर चुके, माइनर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, वाणिज्य संकाय, कला विज्ञान संकाय, सब की बात कर चुके। अब यहां पर आता है आधार पाठ्यक्रम। तो प्रिय विद्यार्थी साथियों, आधार पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीएचएससी, किसी भी फर्स्ट ईयर के हों, उनके लिए एक जैसे होंगे। और हमने इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसी तरह से व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, इसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो अलग से आप इसी वीडियो में बोलने का कोई महत्व नहीं रहेगा, आप देख सकेंगे, अच्छे से समझ सकेंगे, बहुत विस्तार से, स्पष्टता से और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आखिरी बिंदु था इसका क्रेडिट एवं मूल्यांकन पद्धति। तो मूल्यांकन पद्धति आपको मैंने बता दी है कि इसमें 25 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन और 75 अंकों की विश्वविद्यालयीन परीक्षा हो। क्रेडिट का क्या महत्व है और इसके आधार पर किस तरह से गणनाएं होंगी, उस पर हम आगे अलग से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर मिला यह सब कहने का। और मैं बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक तौर पर मूल रूप से मैंने कॉमर्स पढ़ा है। कक्षा 9वीं से लगाकर एम कॉम तक 8 वर्ष कॉमर्स को बहुत ही गहनता से पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। हमारे जो गुरुजी थे स्कूल के, आदरणीय सैयद विलायत अली सर, क्या जबरदस्त महारत थी उनकी और क्या पढ़ाते थे वो स्कूल में। और मैं आपको बताऊं कि वो ऐसे मास्टर सवाल स्कूल में ही बना लेते थे कि एक या दो सवाल में उस चैप्टर से संबंधित सभी आयाम आ जाते थे, और हमें एक या दो सवाल उनके नेतृत्व में करना होता था स्कूल में, और उसके बाद हम तमाम किताबें, चाहे राठी जी की हो, पहाड़िया जी की हो, कोई से भी किताबों के कोई से भी सवाल हो, हम हल कर लेते थे। इसी तरह से जब हम कॉलेज में पढ़ने के लिए गए इंदौर, तो डॉक्टर एन जी गुप्ता साहब, मेरा ऐसा मानना है, मेरे देखे अभी तक जो मैंने देखा है और जिनसे मैं पढ़ा हूं, डॉक्टर एन जी गुप्ता अद्वितीय प्रतिभा से संपन्न वाणिज्य के प्रोफेसर थे। देहावसान हो गया, ईश्वर के पास वो चले गए, लेकिन उनमें यह क्षमता थी जिस पर आप शायद यकीन करेंगे कि वह एक घंटे के समय में समानांतर तौर पर 15 से 20 कॉमर्स के प्रैक्टिकल विषय एक साथ पढ़ाने की सामर्थ्य रखते थे। कोचिंग भी करते थे, हम उनके यहाँ पढ़ने जाते थे, और एक साथ बीकॉम के, एमकॉम के और सारे कक्षाओं के विद्यार्थी एक ही साथ बैठते थे। 3 से 4 का मेरा समय था, और क्या मजाल है कि हुल्लड़ हो जाए, और क्या मजाल है कि किसी भी विद्यार्थी को असंतुष्टि हो कि सवाल आज हुए नहीं। बड़े बड़े 3-3, 4-4 सवाल करके हम मुस्कुराते हुए वहां से निकलते थे। डॉक्टर एन जी गुप्ता सर को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं की बदौलत मैं एमकॉम में जीएससीसी का टॉपर बन सका। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी सर के बारे में संभवतः बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वे ज्वलंत आर्थिक मुद्दों पर समाचार पत्रों में आलेख लिखते हैं, और करियर मार्गदर्शक के तौर पर उनका नाम रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज है। उनसे हमने यह सीखा कि हम रटे रटाए सूत्रों पर ही निर्भर नहीं है, जरूरी नहीं, हमें सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं, हम सूत्र विकसित कर सकते हैं। यकीनन उनके साथ रहकर सांख्यिकी के सवाल इस तरह से हल होने लगते थे जैसे बच्चों का खेल हो। तो आज मुझे यह सब बोलते हुए उन सभी गुरुजनों की याद आ रही, मैं बहुत अभिभूत हूँ, आंखें नम हो रही है, और मेरी दिशा बदल गई। बाद में मैं इतिहास का विद्यार्थी और शिक्षक बन गया। कहीं ना कहीं मन में यह बात है कि मैं वाणिज्य के विद्यार्थियों के साथ फिर से जुड़ूं, और उसी बात की पूर्ति के लिए अभी प्रारंभिक तौर पर यह सिलेबस का वीडियो आपके सामने रखा। ईश्वर ने सामर्थ्य दी, पुरानी बातों को अगर मैं पुनः याद कर सका तो हो सकता है कि किसी विषय के क्रमवार वीडियो भी आपको इस चैनल पर कॉमर्स से संबंधित सुनने को लिए जरूर मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी, मुझे बोलने का अवसर दिया, और इस चैनल के लिए वीडियो बनाने वाली परिश्रमी टीम को सैल्यूट, और कॉमर्स के मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से पढ़िए और निरंतर आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस से संबंधी व्यवस्था के बारे में विस्तार से बता दिया। अब कोई संशय शेष नहीं रहा होगा।
विद्यार्थी साथियों, आपको इस सीरीज का नवा वीडियो पसंद आया होगा और आपकी चिंताएं दूर हुई होगी। पहले के 8 वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इनका लाभ उठाइए और नई शिक्षा नीति को स्पष्टता से समझ लीजिए। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।